करते हैं ब्रेकिंग सेंटर का, जहां हमारी सहयोगी खुशबू मौजूद हैं। खुशबू, क्या बड़ी खबर है आपके पास? बिल्कुल बड़ी खबर बता दे रमन, ब्लैक फंगस पर जो है वो कहर लगातार ब्लैक फंगस देश में बरपाता जा रहा है। ब्लैक फंगस बना है काल, कोरोना से बचे तो फंगस में फंसे हैं। और आपको बताएं, दिल्ली में ब्लैक फंगस महामारी घोषित कर दिया गया है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 773 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 153 नए केस दर्ज हुए हैं। और दिल्ली में व्हाइट फंगस से भी दहशत है। सफेद फंगस ने महिला की आंतों में छेद किया है। डॉक्टरों ने सर्जरी कर महिला की जान बचा ली है, ये अच्छी खबर है। लेकिन लगातार ब्लैक फंगस का कहर देश की राजधानी दिल्ली में भी, और यहां पर भी महामारी से घोषित कर दिया गया, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे थे। और लगातार ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस का कहर भी देश की राजधानी दिल्ली में नजर आ रहा है। तो सफेद फंगस ने महिला की आंतों में छेद किया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि डॉक्टरों ने सर्जरी कर महिला की जान बचा ली है। और चलिए सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम सहयोगी अंजीत के पास, है बड़ी खबर। अंजीत, देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह कि गाजियाबाद में फंगस का एक नया रूप देखने को मिला है। गाजियाबाद में येलो फंगस का नया रूप देखने के लिए मिला, और ये बताया जा रहा है कि व्हाइट और ब्लैक फंगस से ये ज्यादा खतरनाक है। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां पर फंगस का एक नया रूप सामने आया है। बताया जा रहा है कि शहर में पीले फंगस का ये पहला मामला सामने आया है। डॉक्टर्स पूरे मामले की अब जांच कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो गाजियाबाद से है, जहां पर येलो फंगस का ये पहला मामला सामने आया है। शहर में पीले फंगस का ये पहला मामला है और ये ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। अब आइए सीधे आपको स्टूडियो ले चलते हैं। बिल्कुल, और देखिए आपको हमने ब्लैक फंगस का दिल्ली में जो आंकड़ा है वो बताया, लेकिन ये भी आपको बताया कि पूरे देश में ब्लैक फंगस का कहर इस वक्त जारी है। 12 से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जो ब्लैक फंगस से प्रभावित हैं। गुजरात में 2,859 मरीज, महाराष्ट्र में 2,770, उत्तर प्रदेश में 2,701 और दिल्ली में 620 मरीज। 20 से ज्यादा राज्य महामारी कर चुके हैं ब्लैक फंगस को घोषित। तो सबसे ज्यादा गुजरात में मामले हैं, महाराष्ट्र में 2,770, यूपी में 701। 20 से ज्यादा राज्य इसे महामारी घोषित कर चुके हैं। तो देश के अलग अलग राज्यों में ब्लैक फंगस कहर बरपा रहा है और उसे घोषित किया जा चुका है महामारी। ब्लैक फंगस ने पूरे देश में 2 दर्जन से ज्यादा राज्यों को अपनी गिरफ्त में अब ले लिया है। 20 से ज्यादा राज्य इसे महामारी घोषित कर चुके हैं, और इसकी वजह इसका घातक और तेज अटैक, जिसमें वो सबसे पहले आंतों पर हमला करता है। कई बार मरीजों की जान बचाने के लिए उनकी संक्रमित आंखें निकालनी पड़ जाती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी सूची के अनुसार देश के 2 दर्जन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ब्लैक फंगस अपना शिकंजा कस चुका है, जिनमें आधिकारिक तौर पर 12,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 2,859 मामले गुजरात में हैं। वहीं 2,770 केसेस के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। तो आंध्र प्रदेश में इस फंगस ने 768, मध्य प्रदेश में 752 और तेलंगाना में 744 मामले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के 701 और दिल्ली में अब तक ब्लैक फंगस के 620 मरीज सामने आए हैं, जबकि राजस्थान में ये आंकड़ा 492 मरीज का है। इस सूची के मुताबिक कर्नाटक में 481, हरियाणा में 436, तमिलनाडु में 236 और बिहार में 215 ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज चल रहा है। गुरुवार को दिल्ली में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया, जबकि 1.5 दर्जन से ज्यादा राज्यों में ये महामारी घोषित किया जा चुका है। एमपी के ग्वालियर में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 72 हो गई है, जिनमें से 45 मरीज जया रोग अस्पताल के पोस्ट कोविड वार्ड में भर्ती हैं, बाकी मरीज निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। उत्तराखंड में भी लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। जिला उधम सिंह नगर में जसपुर में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। पंजाब के फिरोजपुर में ब्लैक फंगस के 3 नए मामले मिले, जिनमें से एक की मौत हो गई। जबकि मुसीबत ये है कि इस बीमारी से निपटने के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाई और इंजेक्शन की भारी कमी बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर अंजीत के पास बड़ी खबर है। अंजीत, ओवर टू। देख रहे हैं इस वक्त एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से आ रही है। यहां पर क्रीम फंगस का एक मामला सामने आया है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया। येलो फंगस, व्हाइट फंगस, और उसके बाद अब जबलपुर में क्रीम फंगस का मामला सामने आया है। डॉक्टरों ने ये पता लगाना शुरू कर दिया कि आखिरकार ये फंगस का कौन सा रूप है, लेकिन क्रीम फंगस आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में फंगस के 1050 से ज्यादा मरीज हैं। ब्लैक, व्हाइट, येलो से ज्यादा खतरनाक बताया जाता है ये क्रीम फंगस। क्रीम फंगस के बारे में डॉक्टरों ने खुलासा किया और ये कहा कि जो पहले से येलो फंगस है, ब्लैक फंगस है, व्हाइट फंगस है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है ये क्रीम फंगस। कोरोना के बाद फंगस के फेज में फंसा भारत। चेहरे और आंख पर फंगस का हमला, आंखों की रोशनी छीनने वाला फंगस। पहले ब्लैक, फिर रेड, येलो, उसके बाद ग्रीन और अब क्रीम फंगस। कोरोना की तरह ही फंगस के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। देश में अभी तक फंगस के 11,000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं जहां फंगस का मरीज न मिला। मध्य प्रदेश के जबलपुर में फंगस का नया वेरिएंट सामने आया है। जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज में क्रीम फंगस मिला है। क्रीम फंगस मिलने का ये देश का पहला मामला है। मरीज में ब्लैक फंगस के साथ साथ क्रीम फंगस भी है। मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा मरीज आया है जिसको ब्लैक फंगस के संक्रमण के साथ साथ क्रीम फंगस का भी संक्रमण देखा गया है। क्रीम फंगस मिलने का मामला एमपी ही नहीं, देश में पहला मामला है। अभी कुछ दिन पहले ही जबलपुर में व्हाइट फंगस का मरीज मिला था। अब क्रीम फंगस के सामने आने के बाद डॉक्टर भी हैरान हैं। क्रीम फंगस के नाम से बताया गया है, तो ये पहला केस हम लोगों की जानकारी में आया है। एमपी में सिर्फ ब्लैक फंगस के ही 1050 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। सिर्फ जबलपुर में ही फंगस के 106 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 39 की सर्जरी की जा चुकी है। ब्लैक फंगस पीड़ित कई लोगों की आंख की रोशनी जा चुकी है, तो कईयों के जबड़े निकालने पड़े हैं। चिंता की बात यह है कि एमपी में ब्लैक फंगस के 38% मरीज ऐसे हैं जिन्हें कभी कोरोना हुआ ही नहीं। डॉक्टरों के मुताबिक व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन क्रीम फंगस को लेकर डॉक्टर अभी रिसर्च कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कभी ब्लैक तो कभी व्हाइट फंगस से हो रहे घातक इन्फेक्शन लोगों को डरा रहे हैं। ये खतरनाक फंगस किसी की जान ले रहे हैं तो किसी की आंखों की रोशनी। कुछ लोगों का तो जबड़ा ही फंगस ने निगल लिया है, लेकिन अब दस्तक ऐसे फंगस ने दिया है जो इन दोनों फंगस से कई गुना खतरनाक है। गाजियाबाद में इस खूंखार फंगस का पहला मरीज अब मिला है। कौन सा है ये फंगस और कितना खतरनाक है, रिपोर्ट में देखिए। शातर फंगस के रूप हजार, ब्लैक एंड व्हाइट फंगस की दहशत। अब डराने आया येलो फंगस। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आया है खूनी फंगस का खूंखार रूप। यहाँ एक मरीज में मिला है बेहद घातक येलो फंगस। शहर में पीले फंगस का ये अब तक का पहला मामला है। डॉक्टर्स की माने तो येलो फंगस ब्लैक एंड व्हाइट फंगस से ज्यादा खतरनाक है। ये फंगस घाव को भरने नहीं देता। येलो फंगस भी ब्लैक और व्हाइट फंगस के साथ ही हमला करता है। जो म्यूकस सेप्टिकस है, ये फर्स्ट टाइम ह्यूमन में देखा गया है। ये यूजुअली छिपकली वगैरह में मिलता है और इसको फर्स्ट टाइम मैंने एक पेशेंट में देखा है जिसमें व्हाइट फंगस भी था, वो जिसमें ब्लैक फंगस भी था। येलो फंगस के इलाज में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस पर अब तक ज्यादा रिसर्च भी नहीं हुई है। यह ऐसी बीमारी है जिससे दुनिया भर में इक्का दुक्का ही मरीज मिले हैं। इस खतरनाक येलो फंगस से निपटने के लिए कोई स्पेसिफिक इलाज भी नहीं है। इसके लक्षण थे कि उसको एक्सट्रीम वीकनेस है, उसको सर दर्द है, उसको सांस लेने में दिक्कत है। जब मैंने उसको एंडोस्कोप से देखा तो उसमें तीनों फंगस मुझे नजर आई।
डॉक्टर्स येलो फंगस का इलाज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर्जरी कर फंगस को निकालना ही एक विकल्प है, लेकिन उसके साथ ही फंगस की दवाई की भी जरूरत पड़ेगी। येलो फंगस के इलाज में सिर्फ सर्जरी कारगर नहीं है। येलो फंगस के इलाज के लिए इंजेक्शन की कमी सामने आ रही है। मरीज के परिजन शहर शहर भटक रहे हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।